नमस्ते, दिस इज गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी में टैरो रीडिंग के क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये वीडियो बन रहा है मकर राशि के लिए। अगर आपकी चंद्र राशि में मकर है, कैप्रिकॉन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो सबसे पहले मैं बच्चों को बता रही हूँ, जो कैप्रिकॉन राशि के बच्चे हैं उन्हें क्या करना है मई 2020 में। टैरो क्या कह रहा है आपके लिए। सो यहाँ पर टैरो कह रहा है कि आप अपने एफर्ट्स से कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ चेंज लाएंगे आपके एजुकेशन में। सो यहाँ पर कार्ड दिखाता है कि किसी फ्रेंड की हेल्प से आप कुछ नया सीखेंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे। आपके करियर के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, प्लस आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, एक बेस बना सकते हैं आपके करियर का। आपके फाइनेंस के लिए दिखा रहा है कि अगर आप नेगेटिव सिचुएशन से जा रहे थे अप्रैल मंथ में, तो मई मंथ में वो पॉजिटिव सिचुएशन आने वाली है। आपके रिलेशनशिप के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है और दिखाता है कि थोड़ा सा लॉजिकल माइंड रखिए। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रही है, सिर्फ बातों से पार्टनर को आप पॉजिटिव नहीं रख सकते हैं, आप थोड़ा सा उन्हें गिफ्ट्स दीजिए, थोड़ा उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दीजिए, जिससे चीज़ें और पॉजिटिव होंगी। और एक दूसरे को हेल्प ज़रूर कीजिए। और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि आप जितना इजी लेंगे आपके हेल्थ को, उतनी आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। और बहुत जो भी आपके जो भी चीज़ें आपको खुश करती हैं, मीनिंग अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, जहां आपको दिल की खुशी मिलती है, सिंगिंग से खुशी मिलती है दिल की, तो वो सब चीज़ों में, वो सब एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखना है। सो आपकी हेल्थ अच्छी जाएगी इन मई 2020। स्पिरिचुअलिटी के लिए बिल्कुल नेगेटिव कार्ड आया है। आपका जो फेथ है वो नेचर से, भगवान से हटता जा रहा है, तो बिल्कुल भी ये चीज़ होने नहीं दें। जो कैप्रिकॉन राशि है वो शनि भगवान की पूजा ज़रूर करें और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, और अपना जो फेथ है वो कम नहीं होने दें, और हमेशा गॉड को प्रेस करते रहें और हनुमान जी की आराधना करते रहें, जिससे आपका मई 2020 मंथ बहुत अच्छा जाएगा। जो फाइनेंस के लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो, आपका फाइनेंस पॉजिटिव होने वाला है। बच्चे खुद अपना रास्ता ढूंढने वाले हैं और अब एजुकेशन में कुछ अच्छा करके दिखाने वाले हैं, वो थोड़ी फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे। और आप रिलेशनशिप पे आप आपके पार्टनर को हेल्प करें, उन्हें काम में मदद करें, उन्हें फाइनेंस में मदद करें, उन्हें कुछ गिफ्ट्स लेके दें अगर पॉसिबल है, तो इस तरह से आप आपके पार्टनर को हेल्प कर सकते हैं। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.